मतलब पहले आईन अगर अमल नहीं हो रहा था हम भी नहीं करेंगे, लेकिन 50% कारकर्दगी बता दी आपको, जो कि और कारकर्दगी उस 50% की क्या है वो भी अभी बताऊंगा आपको मैं। तो दो ये मीटिंग कल हुई, हमने उससे पहले होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो उसके लिए तैयारी करती है, 28 मई को वो मीटिंग हुई थी, निसार खोड़ो साहब उसके मेंबर हैं वहाँ गए थे और उन्होंने जो सारे खदशात थे इसलिए कि अच्छा उसका वर्किंग पेपर भी हमें एक दिन पहले मिला था, तो एक दिन में जो तैयारी हो सकी उस पर तकरीबन इस ये तो एनईसी का है लेकिन ऐसा ही एक वर्किंग पेपर होता है, इतने सफ़े होते हैं इस पर, तो एक दिन में जो तैयारी हो सकी उस पर गए, लेकिन बहुत आसान था इसलिए कि एविडेंट है ना वो कहते हैं कि मेलाफाइडी इज स्किमिंग ऑन द सर्फेस, जो एक पता नहीं जजमेंट्स में कहते हैं वो नज़र आती है, एक नज़र डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं इनके साथ। वहाँ पे बात की, उसके बाद उन्होंने ख़त भी लिखा कुछ हमें कि यार बताएं क्या इश्यूज़ हैं, जो उधर से गए क्या आपके इश्यूज़ हैं, बात की और उनको बताया गया। जब मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा है तो 5 जून को मैंने ख़त लिखा 7 को, इसलिए कि 5 जून को मुझे अभी मिली नहीं थी, मैंने कही अभी तक वो वर्किंग पेपर नहीं मिला जो 7 जून की मीटिंग का, तो मैंने कहा कि चलें मैं अपनी तरफ से भी लिख देता हूँ। और एक मैंने बड़ा डिटेल ख़त, तकरीबन 6 सफ़ों का ख़त था और उसमें कोई 6 सफ़ों के और एनेक्सचर्स थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा कि सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको बताएं, लेकिन उसका कोई तदारक नहीं हुआ, इसलिए कि जैसे ही मैंने ये ख़त लिखा उसके अगले दिन, बल्कि उस दिन रात को हमें कागजात मिले, ये वाली नई किताब मिली जो PSDP सजेस्ट होनी थी, अप्रूवल के लिए जानी थी, और उसमें हमें फ़ायदा देने की बजाय और नुकसान दे दिया। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें एतराज़ था, और वो एतराज़ दूर होने के बाद, एतराज़ दूर तो नहीं हुए लेकिन फर्दर उसके साथ क्या हुआ। सबसे पहले मैं आता हूँ एक इंटरेस्ट की बात, हर एक सूबे की है, पूरे पाकिस्तान की है, हर शख्स की है कि हमारा रोड नेटवर्क बेहतर हो। रोड नेटवर्क बेहतर होता है तो आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आती है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जी हमारे जो रोड सेक्टर है, NHA की टोटल एलोकेशन हमें दी गई है 7.1 अरब रुपया, जबकि सूबे पंजाब को 32 अरब। अच्छा मैं फिर से कहूँ, मैंने ये कल NEC में भी कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होती है। सब हमारे भाई हैं, वो तीनों चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे, उनको मैंने तीनों को कहा कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं अगर कोई बात करता हूँ ये सिर्फ कंपेरिजन के लिए कि हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसके 4 गुना करें उधर, लेकिन अगर 4 गुना उधर करते हैं तो थोड़े से हमें भी दें, 20-25% हमें भी बढ़ाएं, अगर 400% उधर बढ़ाते हैं। और बाद में मैंने रात को एक प्रोग्राम भी देखा, बड़ी बातें की गई कि जी वो नंबर्स दे देते हैं, पहले 32% हमने बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ाए भाई बताओ तो सही, नज़र तो आए, इस किताब में होना चाहिए और उस जगह पर होना चाहिए जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, ये नहीं। और वो मैं आपको आगे बताऊँगा चीज़ें कि कैसे इन्होंने बढ़ाई हैं जो कहते हैं कि बढ़ाया। खैर 32 अरब थे पंजाब के, 41 अरब थे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के, और 24 अरब थे फाटा के, और 24 अरब थे बलूचिस्तान के। हमारे इन्होंने 7 अरब से बढ़ा के 15 अरब कर दिए, बड़ी खुशी हुई जब पहले में कुछ तो मिला। खैर वो जो 7-8 अरब रुपये बढ़ाए हैं, 7.5-7 अरब, वो उन्होंने डाले हैदराबाद से सक्खर जो ड्यूल कैरिज वे बनना है उसके VGF में। VGF होता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना चाह रहे हैं, अच्छी बात है अगर उसमें भी बना लें, लेकिन पिछले 4 साल से ही सुन रहे हैं, इसी दौरान ये जब पिछली हुकूमत थी तब से हम सुन रहे हैं कि ये सेक्टर जो है ना, ये पोर्शन इसका मतलब कराची से लाहौर मोटरवे बननी, हमने सब सुना कराची लाहौर मोटरवे, लाहौर से लेके और सक्खर तक तो ये मोटरवे हुकूमत ने अपने पैसों से बनाई है और कंप्लीट हो गई है। ये और आगे आपको और अच्छे फिगर आएंगे यार, इतने अभी आप बताता हूँ।
मैं आपको बता देता हूँ, और अच्छा आएगा. अभी तो आपने शुरू ही नहीं हुई कहानी. ठीक है जी, कराची लाहौर मोटरवे बननी थी, कराची से लेके सक्खर तक बन गई है. थोड़ा सा पोर्शन हमें कोई 100-150 किलोमीटर मिल गया है इसका, सक्खर से लेके हमारे बॉर्डर तक. बाकी सारी सड़क बन गई है. कराची हैदराबाद मोटरवे बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है. और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आएँ, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज़ थे, आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को. और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी. और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी. ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं. अब उन्होंने हमें कहा, हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया इसको, और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं. तो ये वो है. पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे, 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए. और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा. खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया. हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए. और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर, लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने, बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है, किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूँ बने, इसी तरीके से बने, लेकिन वह नहीं रहा. अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात, कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है. हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है, सब पुराने हैं. जो ये पैसे रखे गए हैं ना, ये 15 अरब में आपको बताता हूँ, बल्कि अभी बता देता हूँ ना, इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ आपको. एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने लम क्लब किया हुआ है, खैर हमारा इंटरेस्ट है दो उसमें पोर्शंस में, कराची से, सॉरी यामशोरों से 7 ड्यूल कैरिज में, और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये दो हमारे इंटरेस्ट के हैं. कराची से 7, यामशोरों से 7 ड्यूल कैरिज में 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक रोड, बनाना उन्होंने, कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे, ये पिछली हुकूमत की बात है. हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना, आधे पैसे हम देंगे आप बना लें. इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे. हमने कहा हाजुर हम देंगे. अप्रैल 2017 में कहते नहीं हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपये जमा कराएं. हमने कहा जी हाजुर, 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे. 2021 हो गई है, 4 साल. रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूँ, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी. और ये सारे खतूत हैं, अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बैरों लोगों से बात कर रहा हूँ. ये खत है आखिरी, मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको खत लिखे हुए हैं. और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताए भी हैं कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं. अभी पिछले दिनों दो महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी, हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे झांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी. ये हालत रोड की है. और ये अच्छा मज़े की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है. जब हमने शोर और मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया, तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए. ये है सारी डिटेल. और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा
दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। चार साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें, अगर हमसे आप एक साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सजा देनी है दें, सारे पैसे काट ले, खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। तो ये लिखा है मैं इन खतूत में मैंने, लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, एक जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, मिनिस्टर साहब ने मुझसे फ़ोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूँ मैं आपसे मिलूँगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, कराची पहुँचे कहते कि आप फलानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया एनएचए के हवाले से। कहते हैं ना टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्निलिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम कर, हमारे यहाँ भी है ये फाइनेंस डिवीजन में। जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी ज़रा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखें फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले APCC के वक्त तक, पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा, और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अरे इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं फिर कहता हूँ आप 666 अरब रुपए रखें, ज़रूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपये। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 28, सिंध की 2 स्कीमें मैंने बताया, पंजाब के 15, 66 अरब KPK फाटा, 18 अरब बलूचिस्तान, सिंध का 1.5 अरब 2 स्कीमों पे, सिर्फ 2 स्कीमें। और ये 2 स्कीमें भी कब से चल रही हैं, इस हुकूमत के आने से पहले की चल रही हैं। ये फाइनेंस डिवीजन हमें पैसे पूरे नहीं देता ताकि ये हो सके, एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, एक S3 की है, याद भी है ये। मैंने फिर कहा कि जी ऐसा ना करें, ये आप हमें पैसे ज़्यादा बढ़ाएं, हमने 17 स्कीमें दी उनकी डिटेल भी बताता हूँ, उनमें आप हमें दें पैसे। हुआ क्या, जब फाइनल नंबर ये PEC की, ये NEC के लिए नई किताब आई, जनाब पंजाब की 14 में से बढ़ा के 18 हो गई, 15 अरब से बढ़ा के 35 अरब हो गए, सिंध की वही 2 स्कीमें 1.5 अरब, KPK फाटा की भी कोई चेंज नहीं हुआ, 66.7 था 66.5 हो गया थोड़ा, मतलब उन्होंने किया, और बलूचिस्तान कि 800 मिलियन बढ़ा दिए, 18 अरब पहले थे 18 अरब 800 हो गए, पंजाब के 20 अरब बढ़ा दिए और बलूचिस्तान के 800 मिलियन बढ़ाए, हमें जो 1.5 अरब दिया था वही रखा। अब इसमें जो सबसे अच्छी, मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पंजाब बैठे थे उनको मुबारकबाद दी कि आपने माशाल्लाह अपने सूबे के लिए बड़ी अच्छी स्कीम मिली, मैं फेल हो गया हूँ, बैठे थे निसार साहब, मैंने उनको बड़ी तारीफ की और सही बात है, मैं दिल से कर रहा हूं, इसलिए उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, गिला फेडरल गवर्नमेंट से है। पंजाब में रोड सेक्टर में ये जो 18 स्कीमें हैं ना, इनमें से 11 नई स्कीमें हैं, नई मतलब जो इस साल आई हैं, हमारी मैंने कब बताया 2016-17 की स्कीमें, 18 में से 11 स्कीमें नई हैं और पहले भी रोड सेक्टर की थी, और इन 11 में से 10 रोड सेक्टर की हैं, और इन 10 रोड सेक्टर की स्कीम्स में
नई स्कीम्स में, नई स्कीम मतलब जो पिछले साल अप्रूव हुई, और बड़ी मजे की बात है 28 मई को होता है APCC, 29 मई को CDWP होती है, स्कीमें अप्रूव करती है, और फिर 2 जून को एक और CDWP होती है और स्कीमें अप्रूव करती है, हमारी एक भी नहीं, सारी के सारी बाकी सूबों की। अच्छी बात है, मैंने कहा ना वो हमसे जो है जनाब 31.5 अरब रुपए सिर्फ रोडों की स्कीम के हैं, नई रोडों की स्कीम के, मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा, टोटल तो 35 अरब 600 मिलियन बताए मैंने, 31.5 अरब रुपए 10 रोडों की स्कीम्स हैं। और अगर मैं आपको कुछ बता भी दूं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि उन्होंने ये की है, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम गुजरावाला टू M2 इंटरचेंज एट कोट सर्वर वाया हाफिजाबाद, हमारी मेन इंडस हाईवे का आधे पैसे दो, 20 अरब की स्कीम नहीं, 6 अरब रखे हैं, मैं सब बता रहा हूँ। ड्यूलाइजेशन ऑफ सरगोधा खुशाब मियांवाली रोड 7 किलोमीटर के रोड है, 8.7 बिलियन की स्कीम है, 5 अरब रुपये रखे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेज वे फ्रॉम सलाम टू सरगोधा वाया भलवार अजनाला रोड 5.7 अरब की स्कीम है, 4 अरब रुपये रखे गए, ये जल्दी ख़त्म करनी ये स्कीमें। 7 14 अरब की स्कीम जिसके साथ आधे हम 17 अप्रैल 2017 को कैश में दे चुके हैं, उस पर वो 7 अरब भी अभी तक जो हमारे दिए हैं वो पूरे खर्च नहीं हुए, 4 साल हो गए, इधर 2-2 साल में स्कीमें कंप्लीट करने की बात हो रही, इतने पैसे एलोकेट किए गए। ये इस तरीके के कई और हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ। इसी तरीके से बलूचिस्तान की 16 नई स्कीमें, मैंने जल्दी में ये दो ही देखे, और 16 नई स्कीमें जो इस साल ऐड हुई हैं रोड सेक्टर में, सिर्फ रोड सेक्टर में, जो कि सूबा बनाएगा, एनएचए वाली नहीं, ये फाइनेंस डिवीजन में, 11.67 बिलियन, 11.67 अरब रुपए। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना एनएचए में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। अब और मैं क्या बताऊं आपको कि इनकी क्या हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा जी, एक शोभा था हाउसिंग एंड वर्क्स, जब उसकी देखिए हमने तो पहले जो पहले नज़र पड़ती है ना कि जी टोटल अमाउंट्स। अच्छा, मैंने इनसे कहा हुआ है कि पिछले साल भी कहा था कि आप PSDP में सूबे वाइज दिया करें स्कीमें, ताकि पता तो चले हर एक को, आप 2000 स्कीमें उसमें आती हैं, पता नहीं चलता कौन सी सूबे की कौन सी है, तो हमें बड़ी मेहनत करके, और उसमें हम गलती भी हो सकता कर सकते हो कि कोई KPK की स्कीमें पंजाब में डाल दी, पंजाब की बलूचिस्तान में डाल दी, मतलब ये गलती हो सकती है, इसलिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता, सिंध का तो पता है पूरा, तो हमने और पिछली बार कहा गया था कि ये हम करेंगे, फिर नहीं किया, इसलिए कि गोल मोल छुपा के रखना है। बातें कल कर दी कि 90 अरब हम सिंध को दे रहे हैं, 93 अरब हम बाकी सूबों को पंजाब को दे रहे हैं, तो आपको तो इतने पैसे मिल रहे हैं, मैंने फिर हिसाब लगा के बताया भाई ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें चारों सूबों की कंपैरिजन कर दी कि कैसे आप दे रहे हैं, मुझे बताएं तो सही, TV पे कह देने से नहीं हो जाता, लिखत में होती है हर चीज़, जो अप्रूव होती है वो चीज़ होती है, और वो जो अप्रूव हुई है वो कल ये डॉक्यूमेंट है जो हुआ है, जिस पे हमने निसार साहब ने और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला है, मैंने कह दिया डिसेंट कर रहे हैं, आज वो नोट चला जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हाउसिंग जब हुआ तो हमने देखा कि 14 स्कीमें पंजाब की 3.75 बिलियन, 18 स्कीमें सिंध की 8.08 बिलियन, बड़ी खुशी हुई, KPK फाटा की 2 स्कीमें 136 मिलियन, और बलूचिस्तान की 18 स्कीमें 2.7 बिलियन में सबसे ज़्यादा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी काम, पाक PWD आके ये काम करेगी। पाक PWD का काम क्या होता था, सरकारी इमारतें बनानी है किसी जगह में, कोई ASF ने बिल्डिंग बनानी है तो वो है, फेडरल मिनिस्ट्री इंटीरियर का कोई दफ्तर है तो वो बनाना है, अगर NHA की बिल्डिंग बनानी है तो PWD आके बनाएगा, इसलिए NHA का काम रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना नहीं है, इस तरीके काम होते हैं। हमने कहा ये कौन से काम है, देखे तो सही। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो नज़र आया पिछले साल इन्होंने 9.7 अरब रुपए, यानी जो ये साल गुजर रहा है ना, पिछली जून में जो अप्रूव की थी,
इन्होंने डाली थी स्कीमें कैबिनेट डिवीजन में, कैबिनेट डिवीजन में स्कीमें डालना और वो एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे पीडब्ल्यूडी से, इस दफे हाउसिंग एंड वर्क्स में वही उधर से चिफ्ट करके इधर डाल दी जो पिछले साल भी थी। पिछले साल 9.7 अरब रुपए डाले 100% एलोकेशन के साथ, और स्कीमें जो रखी गई थी वो थी कि जी यूसी सेंट्रल, यूसी फलानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गलियां नालियां बनाएंगे, और इधर है मेरे पास, अगर मैं आपको बता दूं, इम्प्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर सीवरेज सिस्टम इन वेरियस यूनियन काउंसिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, इस तरीके से वेस्ट में है, फिर हैदराबाद में, मीरपुर खास में, 9.7 अरब रुपए 9.7 बिलियन की स्कीमें बनाई पिछले साल, पूरे पैसे एलोकेट किए, काम पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि चलो जी बिस्मिल्लाह, हमारा बहुत बड़ा इतराज था कि हमसे शेयर करें, हो सकता है इधर डुप्लीकेशन हो, वही काम हम करा रहे हों और आप भी करें। नॉर्मली तो ये स्कीमें सूबे से बन के ऊपर जाती हैं, सूबा बताता है कि मेरी ये जगह पर ज़रूरत है और आप ये स्कीमें ऐड करें, जो हमने की हैं 17 स्कीमें जो नहीं डाली थी, आप अपनी तरफ से स्कीमें ऊपर से ना डालें, लेकिन चलें वो भी कर देते। 9.7 अरब में से खर्च कितना हुआ, खर्च भी नहीं रिलीज, इसलिए खर्च का मुझे पता नहीं अभी, वो जो नंबर उन्होंने रिलीज का दिया है कि ऑथराइजेशन जो हो जाती है 500 मिलियन, जो हमें जो इस साल भी बता रहे हैं कि हमने इतने पैसे दिए हैं, अभी देखेंगे इस साल के आखिर में क्या होता है, 500 मिलियन। उसका इल्ज़ाम भी हमें डला रहे हैं कि आपने एनओसियाँ नहीं दी, आपने फलाना नहीं किया, और फिर एक एक उसी क्या इन द सेम ब्रेथ पहले कहते हैं एनओसी नहीं दी, फिर कहते वो तो रीअप्रोप्रिएट करके हमने कराची में नाले जो है ना उसके पैसे दिए, वो भी कहाँ नज़र नहीं आ रहे, इस पूरी किताब में है दिया हुआ है लेकिन वो स्कीम नज़र नहीं आ रही कहीं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जी ये स्कीमें देने लगे, तो हमने मैंने इतराज़ यही किया कि जी मेहरबानी के आपकी शुक्रिया कि आपने इतनी एलोकेशन दी है, लेकिन ऐसी स्कीमें ना दें हमें, और अगर ये देनी है तो सूबे से आनी चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो, करप्शन ना हो, या हमारे लोग या आपके लोग करप्शन ना करें कि एक ही स्कीम पे सूबे से भी पैसे ले लिए, वफाक से भी ले लिए। स्ट्रीट्स ऑफ यूसी, अब आराम से इसमें हमें तो बड़ा डर लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में जब हम पैसे देते हैं और प्रोविंशियल ATP में देते हैं कि वहाँ डुप्लीकेशन ना हो जाए, अब ये इन्होंने एक और दरवाज़ा खोल दिया उनके लिए। अच्छा, इतराज़ करने के बाद हुआ ये, हमारे पैसे जो थे 8.08 बिलियन से बढ़ा के 9.7 बिलियन कर दिए, और जो स्कीमें ऐड की वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पंजाब की 3.75 बिलियन से बढ़ा के हमने कहा पंजाब की अच्छा क्या बढ़ाया 8.2 बिलियन, बलूचिस्तान की 2700 से बढ़ा के 5.7 बिलियन, मतलब पंजाब के इन्होंने बढ़ा दिए 4 अरब रुपये, बलूचिस्तान के बढ़ा दिए 4 अरब रुपए, और KP में कुछ नहीं बढ़ाया, और सिंध के बढ़ा दिया 1 अरब रुपया 1.5 अरब रुपया तकरीबन, मतलब ये। और स्कीमें कौन सी दी हैं मैं ज़रा आपको, अगर आप लोगों में हिम्मत है सुनने की तो मैं बता देता हूँ। नाइनटीन नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये टाइटल है, ये टाइटल है जो उसमें कौन सी स्कीम है क्या है कुछ पता नहीं, सूबे से कोई कंसल्टेशन नहीं। 11 नंबर डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये दूसरी स्कीम है, तो 264 मिलियन की एक है, 562 की दूसरी है। तीसरी स्कीम है 15 नंबर डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, ये टर्मिनोलॉजी है, सूबे से शेयर कर रहे हैं, सूबे ने नहीं बताया कौन सी स्कीम्स करें। और चौथी स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल रोड इन तालका लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, उससे पहले भी जो स्कीम इन्होंने ऐड की थी 8 नंबर स्कीम ऑफ मेटल रोड इन यूसी अहमद राजो, यूसी फतेहाबाद, यूसी हालेपोटो, यूसी हाजी परेल बुलेदी, यूसी मलकानी शरीफ, यूसी समन सरकार, असलम चांग उताक एट्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट बदीन। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये आपके प्रोग्राम के नाम से चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है कि एक यूसी की सड़क बनाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं कि फलानी उताक पे मैं स्कीम बना रहा हूं, रोड बना रहा हूं, ये कोई अच्छा लगेगा? ये यूनियन काउंसिल लेवल की स्कीम्स हैं जो फेडरल PhD पे में डाली जा रही हैं बगैर सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए, सूबे को पता ही नहीं है कि कहाँ हैं स्कीम्स। और उधर किसी के मुंह से निकल गया, उधर मैं नहीं बताऊंगा कौन, कि जी क्या करें हमें MPA से, मैंने इसका प्रेशर होता है,
मतलब ये एमपीए जब हम बजट पास भी कराने ना भाई, इधर हमारी पता नहीं हमारे ऊपर कयामत बरपा है, आप लोगों को इसकी पड़ी हुई है, आप रो रहे हैं कि आपको पैसे नहीं दिए, हमारी तो हुकूमत ही जा रही है। एमपीएस एमएनएस को राजी करना है हमने, एमपीएस एमएनएस के लिए ऐसी स्कीमें देनी है हमने। मैंने चुप हो गया इसलिए कि वो कंटेम्प्ट कर रहे थे कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है किसी एमपीए एमएनए के, ये स्कीम्स ये जजमेंट है, आपको दे दूंगा अगर किसी को चाहिए, 2012 की है, इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की, आप नहीं दे सकते। और इतने बड़े फोरम पे किसी साहब ने ये कह दिया, क्या करें मजबूर हैं, हमें एमपीएस एमएनएस प्रेशर डाल के स्कीमें ले जाते हैं। अब और इसी वजह से, अच्छा मजे की बात, जब ये मैंने देखा ना पंजाब की जो नई स्कीमें ऐड की हैं ना, जो मैंने कहा ना 3 अरब से 8 अरब ले गए, तकरीबन 4-5 अरब ऐड किए, मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए है इसमें मेरे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, बाउंड्री वॉल ऑफ जनाजा गाह, ग्रेवयार्ड, स्कूल्स इन डिफरेंट यूसेज ऑफ तहसील यजमान डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, बहुत सारी है यार, मैं किसी को भी पढ़ लूँ, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट यूसेज डिस्ट्रिक्ट गुजरात, मसला है ना गुजरात से, पता नहीं सपोर्ट करेंगे पता नहीं करेंगे। सदन पंजाब भावलपुर की स्कीम्स हैं बहुत सारी, सदन पंजाब में मसला है ना आजकल, एक आपको पता है, पता नहीं वो वोट करेंगे, वो ग्रुप किस तरफ जाएगा, ये स्कीमें देखे ना। स्कीमें जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पीसीसी, टफ पेवर, नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट, सुअर पाइप, ब्रिज इन तहसील मालिकवा, फलिया एंड मंडी बहाउद्दीन, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, ये जो पढ़ लूँ भाई मैं कहीं से भी। डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिफरेंट यूसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात 238 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम, ये फेडरल पीएचडीपी है भाई ये, और कहा गया कि ये एमपीएस एमएनएस के प्रेशर में आके हमें करना पड़ जाता है। आप मुझे बताएं हम क्या उनसे आगे मैं कहूं क्या इसके बाद। ये फिर उधर, अच्छा बड़ा मुझे तो बड़ी हैरत हुई, उधर बड़ी जो सीने ठोक ठोक के कहा गया कि किसी सूबे में हम नाले गलियां नहीं बना रहे, जो सिंध में हम बना रहे हैं, जो एहसान कर रहे हैं, ये सारी ये टफ टाइल और ये क्या है जो हम डाल रहे हैं बाकी सूबों में, हर जगह डाल रहे हैं भाई। ये यूसी लेवल, आप पैसे अगर ज्यादा हैं आप सूबों को दें, सूबों को प्रायोरिटीज पता है। बहुत अफसोस हुआ ये कहा गया कि जी हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, सिंध के लोगों को देंगे, सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की नुमाइंदा है, जैसे पंजाब हुकूमत पंजाब के लोगों की नुमाइंदा है, खैबर पख्तूनख्वा की है, आप सिर्फ इधर हमारे लिए ये नए कानून बनाते हैं। आप दो पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं इधर नजर आता है, आप कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को, ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास, ये किस्म की जबान ना इस्तेमाल करें। 70 जो मैं बात करता हूं, देखिए मैंने दो सेकंड मैंने कहा 70% सिंध से जाता है, क्या मैंने गलत कहा, ये क्या फैक्ट नहीं है, लेकिन ये कहना चौधराहट नहीं करने देंगे, ये बड़ी क्या आपका मकसद है, चौधरी बुरे लोग तो नहीं होते, लेकिन हम अपने लोगों की इंटरेस्ट के लिए अगर आपसे कह रहे हैं तो कहते हैं सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, हम एक ढेला नहीं देंगे, ये भी कहा गया था। आप जरा सोचें तो सही आपका क्या मर्तबा है और आप किस तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सारे फैक्ट्स बता रहा हूं, जो इधर नंबर्स हैं वो दे रहा हूं और उसके साथ जरूर अपनी गिले शिकवे कर रहा हूं। अच्छा जी उधर ही कहा गया कि जी ये बिल्कुल गलत है, ये चीफ मिनिस्टर जो है गलत बता रहे हैं, बयान गलत कह रहे हैं सारी चीज़ें, और हमने देखा 90 अरब हम दे रहे हैं सिंध को एडीपी में जो पीएचडीपी है, और 93 बिलियन दे रहे हैं, ये नंबर दिए 93 बिलियन दे रहे पंजाब को, केपी के उनका भी कुछ बताया मुझे याद नहीं इस वक्त, मैंने कहा बता दें जी जो दे रहे हैं ये एग्जैक्ट मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, मैं हम आपको भेज देंगे।
मैं कहा मैं 4 दिन से शोर मचा रहा हूँ, इधर ही दे देते ना, जो चीज़ें सामने आ जाती मैं आपको बता देता। मैंने उधर ही बैठ के सिर्फ 1, 2, 3, 4 डिपार्टमेंट्स जो मेरे पास रेडीली मौजूद थे, अवेलेबल थे, बाकी भी थे, लेकिन ज़रूर ये उधर बैठ के बनाया था जल्दी से ये पर्चा जो है ना, मैंने टोटल किए सारा। जनाब ये मैं आपको बता चुका हूँ, NHA में 25 स्कीमें पंजाब की, 21 KPK की, 17 बलूचिस्तान की, 6 सिंध की। अच्छा 6 इसलिए हो रही हैं जी, 6 भी कंबाइंड स्कीमें, फॉर एग्जांपल जो जामशोरो 7 रोड बता रहा हूँ उसको एक स्कीम को 2-3 स्कीमें डाली हुई हैं, 2 सिंध की हैं 1 बाहर की है, तो कंबाइंड स्कीमें जो इंटर प्रोविंशियल होती हैं उनको भी रखा गया है इसमें। 44.5 अरब पंजाब, अच्छा टोटल कॉस्ट इन स्कीम्स की 1,038 अरब, यानी 1 ट्रिलियन से ऊपर जो पंजाब की स्कीमें हैं NHA में। एलोकेशन 44.5 अरब जो मैंने अभी बता चुका था आपको। KPK की 21 स्कीमें 535 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, एलोकेशन 38-39 अरब रुपए के करीब। बलूचिस्तान की 17 स्कीमें 437 अरब रुपए की कॉस्ट, एलोकेशन 24 अरब। हमारी 268 अरब रुपए, मतलब पता ना मैंने टोटल कॉस्ट 1,535,437,268,000,000,000 और 15.7 बिलियन की एलोकेशन जो मैंने आपको भी बताई, जिसमें 7-7.5 अरब रुपए हैं VGF फंडिंग के। फाइनेंस 18 स्कीमें पंजाब की 120 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, 35.6 अरब रुपए की एलोकेशन। 10 स्कीमें KPK की 95.4 अरब रुपए कॉस्ट, यानी पंजाब की 120.9-121 समझ लें, KPK की 95। बलूचिस्तान की 32 स्कीमें 140 अरब, सिंध की 2 स्कीमें 4.8 अरब। एलोकेशंस पंजाब 35.5, KPK 66.5, बलूचिस्तान 141, सॉरी नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, पंजाब 35.5, KPK 66.5, बलूचिस्तान 18.8 तकरीबन 19 अरब, सिंध 1.5 अरब। इस तरीके से वाटर और हाउसिंग और PND ये सब मिला के सिर्फ इन 4 डिपार्टमेंट्स में पंजाब की एलोकेशन 94 अरब होगी। तो ये मैंने कहा, आपने कहा 93 अरब, ये 4 पे मुझे 94 पे तो अभी पहुंच गया हूँ, सिर्फ 4 सेक्टर लिए मैंने। और इन्हीं 4 सेक्टर का KPK का है 128 अरब, बलूचिस्तान का है 68 अरब और सिंध का है 64 अरब। अब इसमें वो स्कीमें है ना, ये सारी इंक्लूडेड है, टफटाइल 19 स्कीम ऑफ बदीन, इन लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में रोड, ये सब शामिल हैं इसमें, जो सिंध हुकूमत नहीं रिकमेंड करके भेज रही है, सिंध हुकूमत से सलाह मशवरा नहीं ले जा रही, ये डायरेक्ट आ रही हैं। इसी तरीके से मैंने एक और एतराज़ डाला था, 10.3 अरब रुपये इन्होंने डाले हैं PND में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन, किसी और सूबे को कोई पैसे नहीं दिए इस डिवीजन में, सिर्फ सिंध पे ये मेहरबानी है। वो मेहरबानी कैसी है कि एक कंपनी बना दी SIDCL, उसको ये पैसे सारे जाएंगे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर दिया, पिछले साल कैबिनेट था, हर साल बदलते हैं अपने पेरेंट्स, ये हर साल बदलते हैं, मैं यही कहूँगा ना, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो हर साल बदलते हैं अपना, कभी कैबिनेट होता है, कभी फाइनेंस होता है, इस साल इसका PND है SIDCL का। 10.3 अरब रुपए दिए गए और मैंने उधर बताया बगैर सलाह मशवरे के सिंध हुकूमत से, ग्रीन लाइन मंसूबे ने पिछले मानसूनस में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हालत की थी सबको पता है, और इधर मैंने बताई कि इन लोगों ने बगैर सलाह मशवरे के ड्रेन्स के अंदर फाउंडेशंस डाल दी थी, ड्रेन्स ब्लॉक कर दिए थे, आप सबको पता है ये, मैं खुद साइट पर जाके देखी थी ये चीज़ें। 10.3 अरब मैंने अपने खत में लिखा और मैं रिपीट करता हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर, नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, वी विल रिजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए, वहां पे वफाक सूबों को पैसे दे रहा है खर्च करो, हम चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, हमारी प्रायोरिटीज तो देखें, नुमाइंदे हम हैं,
आप प्रायोरिटीज किसकी देख रहे हैं वो आपको नजर आ रही है। अगर आप यूनियन काउंसिल में जाके रोड रास्ते नालियां बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में, ये अच्छी बात तो नहीं है। ये कहीं पे, और ये जब ये इतनी बहस हो वैसे में एक्सेप्ट भी की गई चीज़ें कुछ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि उन्होंने कहा 4 बार होनी चाहिए एनईसी की मीटिंग, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कही थी बात, उनको मैं क्रेडिट दूंगा, और मेरी बात नहीं मानी जब उन्होंने कही तो मान ली गई बात। अब हो बात तो मेरी भी पिछले साल मानी गई थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स हो, कंसल्टेशन प्रोविंसेस की बात की गई कि जी करेंगे, लेकिन आगे से करेंगे, ये छोड़ दें, मतलब आज जान छोड़ें हमारी, अब आगे से करेंगे, फिर अगले साल बैठे होंगे फिर यही बातें करेंगे, अगर ये बैठे हुए तो। ये सारे इतराजात मैंने उधर रखे, मैंने आपको नंबर्स के साथ बताया, मैं कोई बगैर फैक्ट्स के बाद बात नहीं कर रहा। इल्ज़ाम मेरे ऊपर ये, यानी सिंध हुकूमत की, ये चाहते हैं कि यहाँ खर्च ही ना हो पैसा, भाई ये खर्च ये कर रहे हो तुम, हम इधर किताब में डाला गया है, ये मैं अभी फिर ये बताता हूँ शुरू में, ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वॉज अप्रूव्ड एट अ टोटल साइज ऑफ 739 बिलियन, विच इंक्लूड्स फेडरल पीएसडीपी फाइनेंसिंग ऑफ 98.2 बिलियन, पीपीपी मोड फाइनेंसिंग ऑफ 509 बिलियन, मतलब फेडरल फंडिंग 79 बिलियन की रखी, पीपीपी मोड में 509 अरब, जिसमें बड़ा एक अमाउंट है उसका केसीआर वगैरह का, सुप्रीम कोर्ट फंड ऑफ 124.8 बिलियन। मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट फंड्स हैं वो किस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिए, बहरिया की ज़मीन के लिए, ज़मीन के पैसे किसको जाने चाहिए, सूबे को। आप कैसे क्लेम डाल रहे हैं, क्लेम डाला हुआ है उन्होंने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम डाला हुआ है। अगर गलती मैंने की है और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़, फॉर एग्जांपल मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ ना, अगर मैंने गलती की और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है तो पैसे मालिक यानी सिंध के लोगों को जाएंगे या कहीं और जाएंगे। और एक और बात भी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे आईन में लिखा है कि सूबे को जो पैसे मिलते हैं वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनती है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें, और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड को खर्च करने का इख्तियार, उसकी अप्रूवल देने का इख्तियार सिर्फ सूबाई असेंबली सिंध को है, और जमीन के पैसे बिकम पार्ट ऑफ प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड ओनली द प्रोविंशियल असेंबली हैज द ऑथराइजेशन टू अलाउ इट्स एक्सपेंडिचर, और अलाउड टू ऑथराइज इट्स एक्सपेंडिचर। और ये अपनी तरफ से भेज रहे हैं। अच्छा जी, द प्लान फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ रिवैम्पिंग ऑफ नालाज रिवर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मास ट्रांसिट प्रोजेक्ट्स एंड वाटर सप्लाई टू कराची, एन अमाउंट ऑफ 25.4 बिलियन इज एलोकेटेड इन पीएसडीपी 2021-22। बातें इन्होंने बहुत की नालों और रिवर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, मुझे एक स्कीम, ये पूरी किताब है, अगर कहीं मिल जाए, हो सकता है मेरे से गलती हुई, बहुत सारे है ना मिस हो गई हो, मुझे नज़र नहीं आई है। जो इन्होंने पैसे रखे हैं, कहते हैं 25.4, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे 23.2 अरब रुपए मिले, और वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से। K4 पे इन्होंने 15 अरब रखे, सबसे बड़ा अमाउंट, और मैंने उस पर कहा है कि ये एक तो 15 से बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो खुद मानते हैं। सेकेंडली, इस वक्त वो डिज़ाइन रिव्यू में है प्रोजेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि साल में ये खर्च हो सकेंगे पैसे, लेकिन ये रखे मान लेते हैं। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो फाइनेंस के ना, उसकी 1500 मिलियन उस पर रखे हैं। SIDCL को 5000 अरब दिए हैं, एक 5000 अरब नहीं 5 अरब, सॉरी हाँ गलती हो गई। ग्रीन लाइन के लिए तकरीबन 3 अरब हैं, अदर बाकी मिला के 2.1 बिलियन बनते हैं, और KCR के लिए इन्होंने 1 अरब रखा है, 23.2 बनते हैं, 25 भी नहीं बनते उन्होंने टोटल किए, हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, लेकिन ये स्कीम्स तो पुरानी चल रही, नई कौन सी है भाई, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, क्या K4 नया है,
क्या कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नया है, क्या ग्रीन लाइन नहीं है? वो तो नवाज शरीफ कह के गए थे कि एक साल में बना के देंगे, 2016 में तोहफा। केसीआर नहीं है, कौन सी नई स्कीम है? कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, हाँ नई स्कीमें हमने की हैं अब इस बजट में, इंशाल्लाह आप देखेंगे जो नहीं थी पहले। आप एक तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो वाई जंक्शन से रोड बन रहा है हॉक्सबे की तरफ, आपने देखा होगा, ये नई स्कीम है ना, पहले नहीं थी। साइड के रोड्स बन रहे हैं तकरीबन 1 अरब रुपए के, ये नई स्कीम है ना, पहले नहीं थी। मेरान हाईवे बन रहा है, ये नई स्कीम है ना, पहले नहीं थी। इसमें कौन सी नई स्कीम है मेरे भाई? हाँ नई स्कीम है, नालीज एंड ड्रेन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यूसी नंबर फलानी, ये है मैं, ये है 19 नंबर स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बदीन। कौन सी स्कीम है कुछ पता नहीं, सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। तो हमारे इतराजात 2-3 थे जो कि हम जो नोट ऑफ डिसेंट उसमें लिख के देंगे कि नंबर 1 हमारी एलोकेशंस बहुत कम है। सूबे की कोई स्कीम, हमने 17 स्कीमें भेजी थी, उनमें से एक भी स्कीम इन्होंने नहीं डाली, नई स्कीम जो हमने भेजी है स्कीम। एलोकेशंस जो हैं भी वो सूबे से राय लिए बगैर, इस्लामाबाद से आपने यूसी के अंदर ड्रेन्स और नाली और ट्रैप डालना और कमोड बनाना ये डाल दिए स्कीम्स डायरेक्टली इस्लामाबाद से। ये इतराजात हमारे हैं और इन्हीं इतराजात के साथ हम एक नोट ऑफ डिसेंट भी भेजेंगे। और हम मैं यही चाह रहा था कि आप लोगों के सामने ये सारी बातें रखें कि जो हैं सब सवाल। अगर आप सीनियर देखिए, पहला सवाल क्यों किया जा रहा है वो तो बहुत जाहिर है ना, ये तो भाई साहब आप इतने सीनियर आदमी हैं, ये तो सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं कि इसलिए दे रहे हैं कि अगर मलीर में इलेक्शन होता है, मुझे अभी वोट याद नहीं है लेकिन उनके अगर जो पिछले वोट लिए थे उनमें से 10% लेते हैं और पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ता है तो सजा तो देनी है ना। अगर 4000 पहले कितने थे, 16 से 4000 होते तो सजा तो देनी है ना भाई। अगर बदीन में इलेक्शन होता है वो विड्रॉ कर जाते हैं एक दूसरे कैंडिडेट के ऊपर जो जिस पार्टी से उनका इतिहाद भी नहीं है, जिसको बुरा भला कह रहे हैं उसको सपोर्ट करते हैं और उसके वोट पता नहीं 10% रह जाते हैं और पीपल्स पार्टी के डबल हो जाते हैं, सजा तो देनी है। अगर एन ए 249 में पहले नंबर से 7वें नंबर पे जाने सजा तो मिलेगी ना भाई। तो ये आपका जो सवाल है बाजी साहब, सवाल बनता इसलिए नहीं है कि ये बहुत क्लियर है, ये सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं कि क्यों वोट नहीं देते। ये समझते हैं कि ये सजा दे के शायद वोट लेंगे, सिंध के लोग जानते हैं कि उनकी बेहतरी कौन चाहता है। दूसरा आपने सवाल किया था कि हम रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते, आईन को हम मानते हैं मनोवन। आईन में ये लिखा है कि जो टैक्सेस फेडरेशन ने कलेक्ट करने उनके पास जाएंगे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। हम अपना केस एनएफसी में भी जरूर डालेंगे लेकिन हम जैसे आपका सवाल है बड़ा क्लियर, हम आईन के तहत चलेंगे, हम उसको रोक नहीं सकते। देखिए मेरी बात सुने, आईन अदालत में अगर हम जाएंगे, मुझे नहीं, मैंने डिस्कस नहीं किया अपने लॉ डिपार्टमेंट से, लेकिन मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन इसका ना, अदालत कहेगी कि जी हमारा इससे वास्ता नहीं है, ये हुकूमतों का काम है हर एक की दी हुई। और वो पिछली बार तो मुझे कहा गया था, इसमें मैं आपको मिनट्स पीछे मुझे कहा गया था पिछली बार कि हमें कोई ज़रूरत नहीं आपसे इजाज़त लेने की, आपसे वो लेने की। अब इस दफ़े इन्होंने थोड़ा सा तो उन कुछ चेंज किया, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जैसे होते हैं, तो वो तो मिनट किया पिछली बार इन्होंने। तो इंशाल्लाह ताला इनको सज़ा सिंध के लोग देंगे, पूरे पाकिस्तान के लोग देंगे, इसलिए पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं कि
क्या कहते हैं, जुल्म तो होता है जी, इंसाफ जो है ना वो उसके फारिचिंग, अगर आप ना इंसाफी करें वो अलाउंग, वो इनको मिल रहे ना चाहिए। सिर्फ सिंध की बात नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी 14 इलेक्शंस हुए हैं उनमें से 13 आ रहे हैं ना, ये सबको पता है भाई, सजा सबको मिल रही है। अहबाब सफेद बालों वाले ये तो बिल्कुल ही एक आपने फिलोसॉफिकल डिस्कशन में मुझे डाल देंगे। मैं तो बड़ा सीधा सीधी बात कर रहा हूँ कि ये सिंध के लोगों को सजा देना है, और उनको मैं मुंह से निकल गया था सिंध तो हमारा नहीं है, ये वो बात है, आपको याद होगा किसी ने कहा था सिंध तो हमारा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, हाँ देखिए मेरी बात सुने, हमने काफ़ी लंबी लंबा सवाल कर लिया। सबसे पहले तो इसको रेगुलराइज सुप्रीम कोर्ट ने किया, जैसे कि बनीगाला को रेगुलराइज सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्होंने बताया कि जी ये ज़मीन हम इनको दे देते हैं, अब उसको हम कुछ नहीं, उन्होंने जो भी मिस्टेक्स पॉइंट आउट की, जो केसेस चल रहे थे वो सारे ख़त्म कर दिए उसके साथ, आपको याद होगा सारी बात आपको पता होगी, ठीक है। जो बहरिया को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दी है उसके अंदर उनको पूरी इजाज़त है कि जो अपनी डेवलपमेंट करना चाहें करें, उसके बाहर अगर उन्होंने कोई ज़मीन लेनी होगी तो एक प्रॉपर प्रोसेस में वो बिज़नेस करना चाहें कर सकते हैं, हम नहीं रोकते। ये जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है उसमें हमें पता चला था, बताया गया था कि जी फलानी तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, हम किसी को प्रोटेस्ट को नहीं रोकेंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। नासिर शाह साहब ने पर्सनली कुछ लोगों से बात भी की, इंतज़ामिया ने की, उनको फैसिलिटेट किया, टेंट लगा के दिए, पानी मुहैया किया, गर्मी का टाइम था, हमने दो तीन चीज़ें जो कि हर एक के लिए, नॉट पर्टिकुलरली ये भी, मैं भी करूँगा एहतजाज, हम भी कर रहे हैं ना पानी के सिलसिले में एहतजाज कि जी आप रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, ख़ासतौर पे सुपर हाईवे, इसलिए कि आपकी मेजर आर्टरी है, अब वो कानून में लिखा कि नहीं ब्लॉक कर सकते, कोई मैंने स्पेशल नहीं बनाया, आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और आप एंटी स्टेट बात नहीं करेंगे, एंटी स्टेट पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेंगे। वो लोग आए, उन्होंने अपनी तकारीर भी की और काफ़ी देर तक वो तकारीर हुई, और फिर उन्हीं में से, इसलिए कि वो एविडेंस मौजूद है, बड़ी बातें हुई हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने, और तकरीबन काफ़ी लोग पकड़े भी गए, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, FIRs भी 11 के करीब दाखिल हुई हैं, 2 स्टेट ने कराई हैं, अभी तक 9 FIRs प्राइवेट लोगों ने कराई हैं जिनके अमलाक को नुकसान हुआ है। उन लोगों ने
उन अमलाक को नुकसान पहुंचाया, रोड ब्लॉक किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं, शक्लें भी हैं। ये नहीं कि मैं ए बी या सी को पकड़ लूँगा इसमें, जो लोग मौजूद हैं उन्हीं के खिलाफ पहले तो होते ना एंड अदर्स, लेकिन जो भी अरेस्ट होगा वो अरेस्ट होगा अगर उधर पाया जाएगा, बैरिया के लिमिट्स के अंदर तोड़फोड़ करता हुआ देखा जाएगा, उसको हम उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेंगे। इसलिए कि प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है, हम सबको अलाउ करेंगे, लेकिन उस प्रोटेस्ट के दरमियान कानून को हाथ में लेना किसी का हक नहीं है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया है, अब वो समझ रहे हैं कि आगे हम और करेंगे, ये अलाउड नहीं है। हाँ, जैसे मैं फिर कहता हूँ, अभी नहीं, जब दो महीना एक पहले एक और वाकया हुआ था, FIR भी कटी थी, लोग अरेस्ट भी हुए थे जो कब्जे करने की, या जो जिन्होंने एग्रेशन किया था वो हुए थे, आगे भी ऐसा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल को जी कोई आ जाएगा किसी और इलाके में कि जी ये इधर खाली करो और तोड़फोड़ शुरू करें तो क्या हम एक्शन नहीं लेंगे, तो वो एक्शन लिया जाएगा। और इसमें जहाँ तक आपने क्लियर करने की बात की ना, वो क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, अब मैं और क्या क्लियर करूँ। वकील, एक मिनट, एक वकील राव साहब जी, वकील साहब, भाई भाई मैं बता चुका हूँ, ये देखिए मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ ना, मैं सिर्फ ये लफाजी नहीं इस्तेमाल करता, मैं तो नंबर्स बता रहा हूँ। किसी और सूबे में SIDC क्या ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ चोर डाकू कह के अपने 5 साल गुजार देंगे आप, और आपके पास कोई करने के लिए नहीं है। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद चोर डाकू शुरू करते हैं और उसे भी ख़त्म करते हैं और काम कोई नहीं करते। तो मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि ये एलोकेशंस हैं। क्या सूबे की इलेक्टेड हुकूमत से, सूबे की इलेक्टेड असेंबली से राय लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इसमें ट्रस्ट की कहां से बात आ गई? यही मुझे याद है ना, जब पिछले दौर में मैं चीफ मिनिस्टर 2016 में जब इलेक्ट हुआ, उस वक्त हम दो सूबे ऑपोजिशन में थे, इसलिए कि PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। आज भी मुझे कहा जाता है, उधर बैठ के कहते हैं कि जी जब उस वक्त भी तो PMLN अपनी मर्जी से स्कीमें कर देती थी KPK में, तो क्या अच्छी बात थी वो? मतलब ये क्या अच्छी बात थी? ये जस्टिफाई करते हैं, जबकि उस वक्त परवेज खटक साहब बैठे हैं, उनसे पूछें कि उनके साथ खड़ा होता था मैं कि नहीं, जब भी ज्यादती सूबे के साथ होती थी, क्या बलूचिस्तान के साथ हम खड़े होते थे कि नहीं? क्या ये याद नहीं है कि NEC की जो आखिरी मीटिंग हुई थी PMLN की गवर्नमेंट में, शायद खाकान अब्बासी के जमाने में, 3 सूबे वॉकआउट कर गए थे, उनको याद है कि नहीं? तो क्या सूबे अपनी बात नहीं करेंगे कि यार अपने लोगों के लिए बात नहीं करेंगे कि? और उसको डिस्ट्रस्ट में कह दिया, फिर उनको चोर डाकू कहना शुरू कर दिया, फिर उन पर केसेस बनाने शुरू कर दिए, यही चला रहे। इससे फायदा कोई नहीं, को फायदा नजर आ गया ना, सारे इलेक्शन हारते चले जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 2023 में सब पता चल जाएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये सारी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि ऑब्वियसली उधर प्रोटेस्ट होना था, इंतज़ामिया ने, पुलिस ने अपने किए थे, हम प्रोटेस्टर्स को नहीं रोक रहे थे।
उस दिन जहाँ तक मुझे पता है बहरिया टाउन में और लोगों का दाखिला मना कर दिया गया था, इसलिए कि बंद था, तो कहाँ से लोग आए अगर कोई और थे। लेकिन जो भी फुटेजेस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा फुटेजेस अवेलेबल हैं, उन सबको एनालाइज किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला जो भी इन्वॉल्व होगा, हम हकी लोग जो होंगे, जो वाकई इन्वॉल्व होंगे, उनको हम सजा देंगे और जो उनको इंसाइट करने वाले हैं उनको सजा देंगे। इंसाइट करने वाले भी देखें, ये नहीं कि होगा कि जी सिर्फ गरीब आदमी जो है वो वर्कर को दे दिया और मुराद अली शाह को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। मेरे भाई वो सारी फुटेजेज हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं ना वो सारी फुटेजेज हैं, तोड़फोड़ अगर ए बी और सी ने की है ना, उसकी शक्ल नज़र आ रही है और उसी शक्ल वाले लोग गिरफ्तार हैं। और आप ये बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि किसी को भी गलत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और जो असल लोग हैं ना पहचान के, इसलिए सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। कोई अगर ऐसा ही करना होता ना तो वो सी सी टी वी बंद कर देते ना सारी भाई, तो यार कुछ तो अकल की बात कर लो। अगर मैंने कोई गलत काम करना है तो ये मैं कैमरा बंद करके फिर करूँगा ना, कैमरा मैंने ऑन किया हुआ है और मैं गलत काम करा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। ये कहना बहुत आसान है, ये एक्चुअल जो ग्राउंड, और मैं किसी पे इल्ज़ाम अभी नहीं डाल रहा, सारी चीज़ इन्वेस्टिगेट होके जो सही कल्प्रेट्स होंगे उनको सज़ा होगी, किसी को गलत सज़ा नहीं होगी। लेकिन एक तरफ ये कहना कि जी ना करो, जैसे होता है ना वो हम बचपन से देखते हैं कि जब दो लड़ रहे होते हैं तो जिसको मार खिलवानी होती है उसी को रोकते हैं, यार नहीं करो नहीं करो, दूसरा मार रहा होता है, ये हालत के कौन सा वाला नहीं, मुल्तान से सक्कर तो अच्छा है, सक्कर टू हैदराबाद की बात कर रहे हैं आप। हाँ, कौन सी नहीं पिछले साल, खैर आप बात कर ले। हाँ, दूसरा सर, आपने अनाउंस किया था कि माड़ी पुल के हवाले से जून में कंप्लीट हो जाएगा, जो टूट फूट का शिकार था उसके लिए आपने 1 मिलियन रुपीस का आपने अनाउंस किया था कि नहीं, 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 कि माड़ी पुल, ये जो माड़ी पुल से हाई स्टेट पिछली तरफ जाता है पूरा बैंड टूटा हुआ है, उसका एक्सपोर्ट प्रोसेस का सारा सिस्टम बना था, वो आपने तकरीबन अनाउंस किया था कि हम जून में कंप्लीट कर देंगे। वो मैंने जो अनाउंस किया था वाई जंक्शन से, गुलबाई से वाई जंक्शन वाला रोड, वो कंप्लीट इंशाल्लाह जून में हो जाएगा। अच्छा, मैं आपके सवाल समझ गया, जो मैं जवाब देता हूँ, ये तो मैंने नई स्कीम्स बताई ना, पिछले 3-4 सालों में कई डेवलपमेंट स्कीम्स कराची में हुई जो हम मेगा स्कीम्स के मत में करते हैं। शारा फैसल, मैं रिपीट करूँगा इसलिए कि पुरानी, शारा फैसल 1970 के बाद हमने अब एक्सपेंड किया, उसको रिपेयर किया, तारिक रोड का पूरा एरिया, ये सारी स्कीम्स कराची में अंडर पासिस बनाए हैं,
ओवर हेड्स बनाए हैं ये पिछले 3-4 साल में हुई है, तो नई और बना के हमने ख़त्म कर दी है। मैं नई स्कीम्स जो कह रहा था कि इन लोगों ने एक भी नहीं डाली, और ये इस साल में गुजरे जबकि हमारे पास बहुत शदीद किल्लत थी फंडिंग की, प्रॉब्लम्स थे कोविड के इश्यूज, और अगले साल इंशाल्लाह बजट आएगा हमारा 15 जून को, उसमें आप देखेंगे कि अगले साल और नई स्कीम्स हम डालेंगे, नॉट लाइक देम कि एक भी नई स्कीम नहीं है, ये तो पुरानी स्कीमें सारी हैं। हमने पूरे सिंध के अंदर काफ़ी रोड नेटवर्क अपना बेहतर किया पिछले 4-5 साल में, लेकिन ज़रूरत बहुत है। हम रोड सेक्टर में एलोकेशन करते हैं, लेकिन हम मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते कि अगर वहाँ पे सूबाई हुकूमत, मैं पंजाब का जिक्र करूँ, वो अपने पैसे भी उनकी अच्छे खासे होते हैं वो भी लगाती है, और अगर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट उनको मैंने बताया ये 70-75 अरब रुपए साल में फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट आ जाए और हमें सपोर्ट ना आए तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमारा पूरा नाम होता है। हमने रोड्स बनाए हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में, पुरानी बनाने की बात कर रहा हूँ, ये हमें कहते हैं ना कोई हाईवे बनाई नहीं, हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में किसने बनाई है, कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज में किसने बनाई है। हमने नवाबशाह टू सांगड़ रोड बनाया 2-3 साल पहले, सारे सांगड़ के जो रोड्स थे वो बनाए, टंडो अलायार, ये अच्छे रोड्स बनाए। बातें करना बहुत आसान है इनके लिए कि जी यही कहा था ना कि इन्होंने क्या बनाया है, ये सारी दिखा दें इनको, अगर आके देखें ना, इन्हें बोले ये बनाए तभी तो आप लोग इलेक्शन हारते हैं इतनी बुरी बुरी तरीके से, उधर जो है आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध के लोगों को सिर्फ इसलिए खर्च नहीं करना चाह रहे कि आपको पता है कि सिंध आपका नहीं है, वो जो कहते हैं, हम तो कहते हैं सिंध आपका है, पूरा पाकिस्तान आपका है। नहीं, मेरी बात सुने ना, सिंध के कौन सा नुमाइंदा है, अब मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसमें, हाँ सो कॉल्ड हैं तो सही, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का खामखा, बल्कि जो 4 नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये तीसरे चौथे, चारों सिंध से हैं, चारों सिंध से हैं, एक मतलब ये देखे ना, चारों सिंध से हैं, तो मैं आगे क्या कहूँ यार, मुझे भी ख्याल आया आप लोगों ने सवाल किया, मैंने कहा शायद एक को कहीं और जाके इलेक्ट होना पड़ा, ठीक है जी, एक जो है मतलब क्या यार आप सबको जानते हैं, वो यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट में आते हैं या अभी भी अनइलेक्टेड है, उन 4 में से 3 अनइलेक्टेड लोग हैं और चौथा सिंध से है लेकिन इलेक्टेड सिंध से नहीं है, तो आपने मेरी आंखें और खोल दी, क्या कहूँ। मेरे भाई अगर हम देखें, मैंने फिर रिपीट किया है कि कार्रवाई सिर्फ उस पर होगी जो वीडियो एविडेंस के साथ उधर मिले, अब ये बिल्कुल यकीन कर लें, नाम तो आ गए, अगर आ गए कार्रवाई सिर्फ उस पर होगी जो वीडियो एविडेंस के साथ मिलेंगे। दूसरी बात ये कि अक्रम आपके का नुकसान करेगा कोई तो मजलूम तो आप बनेंगे ना, तो आप ये बड़े अजीब सी बात है, अगर आपका कोई नुकसान करेगा तो आप मजलूम तो कहलाए जाएंगे ना। हाँ अगर आप जो कह रहे हैं कि नुकसान जिसने किया है उसको सजा मिले, इंशाल्लाह ताला वही होगा। मेरे भाई मदाखलत, आपने खुद ही लफ्ज कर दिया, काम किसके मदाखलत नहीं होती इन चीज़ों में,
मतलब आपने तो मेरे मैंने नहीं कहा, आपने कहा वफाक मदाखलत कर रही है, तो बात इधर ही खत्म हो जाती है। टाइम बचा मुझे मीटिंग दिया था। करते रहे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस जो केस मेरे ऊपर डाला गया है वो उस प्लांट का है जो एक मिनट भी बंद नहीं हुआ, डिस्पाइट कि आपने सारे लोग उनके अंदर किए, मेरे ऊपर केस किया, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड उसके ऊपर केस किया, वो प्लांट उसके बावजूद जब शुरू हुआ है एक सेकेंड भी बंद नहीं हुआ और कराची को 100 मेगावाट बिजली कंटिन्यूसली दे रहा है। मेरी जो है ना बाइज्जत बरियत इसी में है। बात खत्म। कोई बात आने दे यार, बहुत देख लिए अब।